अगर हमारे भारत देश में बैठकर हमारे भारत के सरकारी कोष का पैसा गबन कर रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद सीमा हैदर ने एक्सेप्ट किया है कि वो सरकार का जो कोष होता है उसका पैसा ले रही है, जबकि वो इंडियंस नहीं है और उसको कोई भी हक नहीं है भारत की किसी भी चीज का इस्तेमाल करे। आज सीमा हैदर का एक इंटरव्यू देखा, एक महिला, एक चैनल है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें लगातार सीमा हैदर और लप्पू के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं जिसमें ये तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने कल डाला था, आज फिर वो उसका इंटरव्यू देखने के बाद मुझे जरूरी लगा कि पब्लिक तक मैं अपनी बातें रखूं। सीमा हैदर ने उस वीडियो में बताया है कि मेरे एक बाबा थे जो खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले वो कहती कि हमें सरकारी राशन मिल रहा है, इतना राशन मिल रहा है, बच्चे के नाम से मिल रहा है, हर तरीके से हमारे मोदी जी योगी जी राशन पहुंचा रहे हैं घर तक, हमें बहुत सारा राशन मिलता है, हमारे लिए कोई कमी नहीं करी योगी जी मोदी जी ने। जैसे कि ये पाकिस्तानी है और इसको यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल सकती, ये नागरिक नहीं है तो राशन कार्ड नहीं हो सकता। लप्पू के परिवार को मिल रहा होगा, इसका कहना है कि हमारे बाबा लोग वहां से हर महीने भर भर के राशन लाते हैं, मोदी जी ने हर घर में हर गरीब व्यक्ति के लिए ये राशन फ्री किया है, कोई भूखा नहीं रह सकता। ये कहती है भारत में रहकर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं भूखी नहीं मर सकती। फिर उसके बाद इसका कहना है कि इसके एक बाबा जो एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, और उनके खाते में 2000 रुपया महीना आ रहा है सरकारी, जो मोदी जी भेज रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, फिलहाल लप्पू के बाबा तो मुझे लगता है उन्हें कुछ हुआ नहीं है, अभी किस बाबा की बात कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने खुद सोशल मीडिया पे आके अपने इंटरव्यू में बोला है कि 2000 रुपए महीना सरकारी पैसा मिल रहा है, हो सकता है पेंशन हो किसी बाबा की इसके, और इसने बोला है कि वो खत्म हो चुके हैं लेकिन आज भी मोदी जी इसके खाते में पैसे भेज रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार के साथ धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी की हूँ मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जब जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके 28 दिन के अंदर सरकार को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ता है, वो अकाउंट बंद कराना पड़ता है ताकि वो व्यक्ति उसकी डेथ हो चुकी है ये गवर्नमेंट जानते हुए उस पेंशन को बंद करे। मैं अभी मेरे ससुर जी जो है वो प्रिंसिपल से रिटायर हैं और उनकी डेथ हुई, आप सबको पता है मेरे सास ससुर दोनों एक्सपायर हो गए, उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र था वो उसके लिए हमको कई लोगों ने बोला भी था एक आध महीने आप सैलरी आने दीजिए, क्योंकि अच्छी खासी पेंशन मेरे ससुर जी की आती थी, तो लोगों ने कहा कि आप एक आध महीना ले सकते हो जब तक, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम जीते जी हमने इस चीज का लालच नहीं किया, उनके जाने के बाद हमें वो नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुर जी के पीपर पानी के बाद जैसे ही उनको 12 दिन कम्प्लीट हुए उसके दूसरे ही दिन जाके वहां पे मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिया ताकि उनका अकाउंट हम बंद करा सके, तो इस बेस पर उनका अकाउंट बंद हो गया। आप सभी लोग जानते हैं 6 महीने या साल भर के शायद वहां एक जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है पेंशनर के लिए, या जो भी सरकारी को पैसा आता है सरकारी कोष से उसके लिए जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है ताकि सरकार जान सके कि ये व्यक्ति जीवित है और इसको हमें फंड देना है, सरकारी पैसा देना है। जिसकी पेंशन होती है, विकलांग पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, वृद्धावस्था पेंशन होती है, या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन आती है उसके लिए जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है यदि व्यक्ति जिंदा है। यदि व्यक्ति एक्सपायर हो जाता, खत्म हो जाता, तो उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। भगौड़ी ने खुद सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट किया है कि ये इसके जो बाबा हैं उनका 2000 रुपया महीना आज भी आता है जबकि वो खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी महिला हमारे सरकार के नियमों को उल्लंघन कर रही है, हमारे सरकारी नियम जो बनाए हुए हैं हमारे गवर्नमेंट में उस पर ये सवाल खड़ा कर रही है। जब हम इंडियंस किसी की हमारी डेथ हो जाती है और वो गवर्नमेंट पोस्ट पे है या उसे गवर्नमेंट पेंशन या किसी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं उसको बंद कराना पड़ता है, ये महिला खुलेआम यहाँ पे कह रही है कि हम अभी भी उनका पैसा खा रहे हैं। तो ये किस व्यक्ति का पैसा खा रहे हैं? मेरा सरकार से निवेदन है इस महिला की सख्त से सख्त जांच की जाए, क्योंकि ये यहाँ पे भारत उन लोगों को भी बरगला रही है जो लोग सरकार की जो सरकार का जो इनकम टैक्स वगैरह वो पे करते हैं और सरकारी कोष को कभी बर्बाद नहीं होने देते हैं, उसमें बढ़ावा करते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, अपने पल्ले से देते हैं, अपनी कमाई से देते हैं, उनको भी ये संदेश दे रही है कि आप सरकार का पैसा दबाकर बैठ जाओ, आपका कोई नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि हम अपने बाबा की कमाई आज भी खा रहे हैं। जो बाबा को आता है 2000 रुपए महीना पेंशन वो हम आज भी खा रहे हैं क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। तो इस चीज की गहनता से जांच की जाए। इस महिला ने बोला है अपने वीडियो में ये किस बाबा के बारे में कह रही है और किस पैसे के बारे में कह रही है ये मुझे समझ नहीं आया।
लेकिन इसका मानना है। और जो पत्रकार महोदय आप जो आज का जो इंटरव्यू इसने जिस चैनल पे दिया उसमें केवल 200 कुछ सब्सक्राइबर हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका व्यूज बहुत अच्छा जाता है। और ये भगोड़ी इसको इंटरव्यू दे रही है और ये साफ शब्द में कह रही है, पत्रकार महोदय जब आप सवाल पूछते हो तो आप करेक्ट सवाल क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं आप उसकी तह तक जाते हो? आपको केवल टीआरपी के लिए उसका मुंह का बड़बोलापन चाहिए और साथ ही ये लप्पू और इसकी लव स्टोरी की कहानी लेके आप बैठ जाते हो। आपको केवल ये पैसे पे खरीद कर लाती है, आप सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाने का काम करते हो, सच दिखाने का काम करिए। क्या आपके मुंह में जुबान नहीं थी? आप ये सवाल नहीं कर सकते थे कि आप किस बाबा का पैसा खा रहे हो जो सरकारी कोष से आ रहा है? अगर उनकी डेथ हो गई तो क्यों नहीं उनकी पेंशन या जो भी सुविधा मिल रही है उसको बंद कराने का प्रयास किया गया, उसको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया? जबकि जो व्यक्ति डेथ हो जाती है जिसकी, उसका 28 दिन के अंदर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है। अगर सरकार को पता चलता है कि यह व्यक्ति जिंदा नहीं है और इसकी पेंशन जो सुविधाएं है व्यक्ति खा रहा है, तो सरकारी कोष का गलत उपयोग करने के उसमें उस पर धाराएं लग सकती है, उस पर मुकदमा हो सकता है, वो अरेस्ट हो सकता है। तो एक इनलीगल पाकिस्तानी महिला यहाँ पे हर तरीके से अपना हुक्म चला रही है, ये भारत में बड़बोलापन कर रही है, भारत के लोगों को गलत मैसेज दे रही है, हमारे गवर्नमेंट के कोष पर ये सवाल खड़ा कर दे रही है, हमारे भारत के लोगों पर सवाल खड़ा कर देती है, ये गालियां देती है। इसने हलाला का भी यहाँ पे जिक्र किया है। इससे पत्रकार महोदया पूछ रही है हलाला क्या होता है, तो हलाला मुझे भी नहीं पता था क्या होता है। इसका कहना है अगर गुलाम हैदर ने मुझे छोड़ चुका है, मैं जैसे लप्पू के साथ रह रही, उसके बाद मुझे तीसरे व्यक्ति के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, उसके बाद मैं उसके साथ रहूंगी। पाकिस्तान मुल्क ऐसा है, वहां जिहादी है तमाम ये है। तो हम बता दें तेरी जैसी महिला की यहाँ भारत में बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में क्या जितने पीड़ित है सबको हम यही बुला लें? और इस महिला का कहना है कि पाकिस्तान में गलत होता है, अगर मैं वहां होती, अगर मैं भारत में होती मेरे दो ही बच्चे होते, वहां पाकिस्तान में मेरे चार बच्चे हो गए। वहां महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाई जाती है। तू औरत 10-10 लोगों के साथ जाती है, तेरा एक नहीं कितने जगह तेरे कारनामे आ रहे हैं। और इसका कहना है कि अगर वहां बच्चे नहीं होने वाला अगर बंद भी करा दिया जाए, वहां के लोग कहते हैं घुटनों से बच्चे पैदा करेगी। कितनी बेशरम और बेहया निहायती नंबर एक की महिला है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से समाज की धज्जियां उड़ा रही है। और शर्म आती मुझे ऐसे लोगों को जो अपने आप को पत्रकार करते हैं कहते हैं और इससे इतने बेहुदा सवाल पूछते हैं। इससे कहते हैं आपकी प्यार की स्टोरी कहां से शुरू हुई? अरे इससे ये सवाल पूछिए ना, गुलाम हैदर से धोखे की स्टोरी कहां से शुरू हुई? कहां से तुमने धोखा देना सीखा? तुम्हें शर्म नहीं आई अपने पति को धोखा देके, मुल्क को धोखा देके, पाकिस्तान को धोखा देके, जितने तुम्हारे निकल रहे हैं बॉयफ्रेंड उतनों को धोखा देके जो तुम दूसरे देश में घुस के आए हो? लप्पू ने यहाँ पे अपनी लव स्टोरी शेयर की है कि होते होते पबजी से प्यार हो गया, मतलब तमाम ठीक, कहना भी नहीं चाहती ऐसी चीजों को। इस बंदे की शक्ल देख के इतना गुस्सा आता कि समझ नहीं आता ये व्यक्ति भारत में किस गलती की सजा है जो ये ऐसा बंदा यहाँ पैदा हो गया। फिलहाल इन पे कानून के शिकंजे कसे हुए, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये उकसाने भड़काने का तमाम काम कर सकते, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के अलावा इनको कोर्ट में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो कोर्ट में मुबीन मलिक सर ने चैलेंज किया है, उसको एक्सेप्ट करना और वहां पे जवाब देना, क्योंकि सोशल मीडिया पे केवल पैसा कमा सकती हो, जो तुम यहाँ पे कर रही धंधा वही कर सकती हो, उसके अलावा इसका कोई भी वो नहीं। तो दोस्तों ऐसी महिला के लिए आपका क्या सोच है मुझे जरूर बताना। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं भैया आपका तो मैं आपको सलाम है, जो आप गालियां देते हो गंदी गाली आपको भी सलाम है, क्योंकि आप एक ऐसी महिला को भारत देश की सनातनी बताते हैं जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर हम भारत से दूसरे देश चले जाए ना, अगर हमसे कहे कोई अपने भारत के लिए गलत कहो, तो हम अपनी गर्दन कटवा देंगे, अपने देश के खिलाफ ना एक शब्द सुनेंगे ना कहेंगे। ये वो महिला है, पाकिस्तान से यहाँ आ गई है इनलीगल, और अब पाकिस्तान को ये गलत गलत बोल रही है। तो सोचिए जहां इसका जन्म हुआ, जहां पैदा हुई, जहां इसके बच्चे पैदा हुए, जहां इसके माँ बाप थे, जहां इसका पूरा परिवार था, इसका देश था, वहां इतनी गंदी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है ताकि पाकिस्तान के लोगों के गुस्से को भड़का सके, गुलाम हैदर के गुस्से को भड़का सके, गुलाम हैदर कुछ ऐसा बोले कि वो इंडिया ना आ पाए। तो इसका एक ही मकसद है। गुलाम हैदर भाई मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखते हो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस महिला को कानूनी तरीके से घेरे में जकड़ लिया है और कानूनी तरीके से ही इसे सबक सिखाएंगे, कानूनी तरीके से ही आपके बच्चे मिलेंगे
और हमारा भारत पूरा आपके साथ है। आपको डरने घबराने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये केवल धमकियां दे सकती है, दिला सकती, बकाये इसकी कोई हिम्मत नहीं। भारत इतना स्ट्रांग देश है कि यहाँ किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए गलत सोच रखे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो लोग सोच रहे कि एक साल से कुछ नहीं हुआ, सीमा इधर का सब कुछ होगा, चिंता मत करिए, लेकिन लीगल तरीके से हुआ। क्योंकि यहाँ भारत में कोई जिहादी नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है अपने कानून के खिलाफ जाए। सही तरीके से, कानूनी तरीके से इसको शिकंजे में जकड़कर इसको उम्र कैद की सजा होना निश्चित है। इसका बुढ़ापा भी जेल में कटेगा, इसकी जवानी तो गई, खैर अब जितनी बची हुई है वो जेल में कटेगी, और इसके बच्चे अपने मुल्क जाएंगे, अपने पिता के पास जाएंगे। यह हमारा वादा है आपसे, एक न एक दिन आपके बच्चे जरूर मिलेंगे। आप भारत आओगे बहुत जल्दी, ये सारी तैयारियां हो चुकी है। बकाया यहाँ पे कुछ भी हम कहना नहीं चाहते। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस भगोड़े की असलियत यहाँ पे रखना जरूरी है। रोज इसको हम धोएंगे, निचोड़ेंगे। अगर है हिम्मत तो कोर्ट में जवाब देना, बकाया सोशल मीडिया पे तो फालतू की बकवास ही कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेवी को हम अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।